अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको करवा रही हूँ खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो स्टेडियम रोड पे है उसका प्रीलिम पेपर 2021 में जो फर्स्ट ईयर जूलॉजी के एमसीक्यूज़ थे वो हम करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो पहला सवाल है, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आर एस्टिमेटेड टू ओरिजिनेट इन दिस एरा। तो आपकी बुक में जो ये डायग्राम है एक छोटी सी, इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये पैलियोज़ोइक एरा के बाद जो मीज़ोज़ोइक एरा था इसके अंदर जो है वो यहाँ पे रेप्टाइल्स जो है वो अपेयर होना शुरू हो गए, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ भी एज ऑफ रेप्टाइल्स जो थी वो मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर रेप्टाइल्स आना स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद फिर मैमल्स इवॉल्व हुए थे। तो हम एस्टिमेट जो आंसर यहाँ पर लगाएंगे वो हम लगा देंगे कि मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर रेप्टाइल्स एज वेल एज़ फिर उसके बाद मैमल्स जो है वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे, ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद था एटीपी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, पेज नंबर 34 पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर, मोनोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। उसकी हेडिंग में सारा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। उसके बाद है व्हेन एक्सपोज टू रेडिएशन एंजाइम एक्टिविटी इज़, तो पेज नंबर 49 पे जो है वो रेडिएशन के इफेक्ट में बताया हुआ है कि जब रेडिएशन पड़ती है किसी एंजाइम के ऊपर तो उसका शेप चेंज हो जाता है, उसकी वजह से एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव। तो जो इनएक्टिव की टर्म है इसका मतलब ये नहीं होता कि एक्टिविटी का रिड्यूस हो जाना, जाहिर सी बात है इंक्रीज या अनअफेक्टेड तो होगा नहीं, तो रिड्यूस हो सकता है या सीज्ड हो सकता है। तो इनएक्टिव का मतलब होता है कि उसकी एक्टिविटी का जो है वो सीज हो जाना है, रुक जाना। इनएक्टिव यानी कि वो काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिड्यूस वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनएक्टिव की टर्म जो है वो ज़्यादा बेहतर डिस्क्राइब करिए सीज होने को, इसकी एक्टिविटी को, ठीक है। उसके बाद है सीडोपोडिया यूज्ड एज लोकोमोटरी पार्ट इन क्लास, तो सीडोपोडिया किसके लोकोमोटरी पार्ट होते हैं, तो सीलिएटा और सक्टोरिया के तो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं दोनों के सीलिया, ठीक है। उसके बाद फिर फ्लैजिलेटा के फ्लैजिला होते हैं, और आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो सार्कोडिना है इनके कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, बल्कि इनका जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होती है वो लोकोमोशन में काम करती हैं, लोकोमोटरी पार्ट के तौर पे काम करती हैं, और वो थे सीडोपोडिया, तो इसका आंसर हो जाता है ये। उसके बाद है प्लेटफॉर्म्स आर, तो उन्होंने ऑप्शन में पूछा है ए सीलोमेट बाइलेट्रल या फिर ए सीलोमेट रेडियल या सीलोमेट या सीडोसिलोमेट। तो आपको याद होना चाहिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं प्लेथिहेलमिंथस हैं वो होते हैं ए सीलोमेट बाइलेट्रली सिमेट्रिकल, ठीक है। ए सीलोमेट यानी कि इनकी बॉडी के अंदर कोई ट्रू कैविटी नहीं होती, और बाइलेट्रली सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि अगर इसको सेंट्रल एक्सिस से आप कट करेंगे तो दो इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। रेडियल सिमेट्री में ये होता है कि आप किसी भी प्लेन से उनको डिवाइड करें तो वो दो हाफ्स के अंदर डिवाइड होने चाहिए, लेकिन बायलेटरल में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्लेन से डिवाइड करने से वो इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड होते हैं। तो उसके बाद था सवाल कि स्पाइन सकर्स एंड हुक्स आर डेवलप्ड फॉर पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इन, तो ये आपको मिल जाएगी लाइन लिखी हुई पेज नंबर 204 के ऊपर इन प्लेथिहेलमिंथस जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं उनकी अडॉप्टेशन में लिखा हुआ है कि स्पाइन सकर्स और हुक्स जो होते हैं वो फ्लैटवॉर्म्स के अडॉप्टेशन में इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं ताकि ये अपने होस्ट के साथ अटैच रहें, जैसे कि स्पाइन सकर्स और हुक्स हो गए। उसके बाद था ट्यूनिकेट्स कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड शोइंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बिलोंगिंग टू फाइलम, तो ये भी पूरी बुक की लाइन है, आपको मिल जाएगी पेज 220 के ऊपर, और ये होते हैं यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। इनका दूसरा नाम जो है वो ट्यूनिकेटा भी होता है या ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो कवर हुई हुई होती है ट्यूनिक से, तो ये भी आपको बातें छोटी मोटी याद होनी चाहिए। उसके बाद अगला सवाल है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स प्रोड्यूसेस अ फिल्टर फीडिंग फ्री स्विमिंग लार्वा लास्टिंग फॉर एयर्स कॉल्ड, तो ऑप्शन में कह रहे हैं ट्रोकोफोर प्लैनुला एमोसियोटा या फिर बायपिनेरिया। तो अगर आपको ये याद हो कि ट्रोकोफोर जो होता है वो किसका लार्वल स्टेज होता है, ये होता है एनलिड्स और मोलस्कन्स दोनों का, तो ये भी कई पॉइंट पूछ सकते हैं कि एनलिड्स और मोलस्कन्स कई रीज़न पूछ सकते हैं कि वो सिमिलर क्यों होते हैं या वो क्लोजली रिलेट किस बेसिस पे होते हैं, तो ये उनकी एक रिलेटिंग एक लिंक होता है एक तरह से कि इन दोनों की जो लार्वल स्टेज होती है वो ट्रोकोफोर होती है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद प्लैनुला जो था वो साइनिडेरियन का था, ठीक है। इसके अलावा बायपिनेरिया जो था वो इकाइनोड्रम्स का था, तो जाहिर सी बात है ये तीनों नहीं हो सकते। अगर आपको पता है कि ये तीनों नहीं है तो इस तरह से भी आप राइट आंसर पर पहुँच सकते कि वो एमोसियोटा होते हैं इनके लार्वा। बाकी आपकी बुक में जॉलेस फिशेस एग्नेथा के बारे में इस तरह से कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इस पेपर में उन्होंने किस रेफरेंस से दिया है। हो सकता है प्रैक्टिकल वगैरह में इनको ये सारी चीज़ पढ़ाते होंगे या क्लास में पढ़ाते होंगे, तो बाकी ये है कि आपको ये चीज़ नेट पर मिल जाएगी आराम से कि यही होते हैं। और इस तरह से भी आप क्रॉस कट करके भी बाकी ऑप्शन को क्रॉस कैंसिलेशन से भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं कि वो यही है। जाहिर सी बात है ये तीन तो होंगे नहीं, फिर यही एक ऑप्शन बच जाता है, वैसे यही होता है आंसर। बुक में मुझे ये नहीं मिला आपकी, ठीक है। उसके बाद था इट मेक्स प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिन ओजन, तो अगर आपको याद हो कि लिवर के फंक्शन में आपको जो है वो इतना स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ बुक में, लेकिन जनरल उन्होंने बताया हुआ है कि ये ब्लड प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है उसको कॉन्स्टेंट रखता है, यानी ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यूसली उसको कभी कम या ज़्यादा नहीं होने देता। जाहिर सी बात है वो चीज़ बनाता होगा तभी वो उसको कॉन्स्टेंट रख रहा है, तो प्लाज्मा ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा
प्लाज्मा होता है उसके प्रोटीन्स होते हैं, उसी में एल्ब्यूमिन भी आ जाता है। इसके अलावा बुक में भी लिखा हुआ है कि वो कंपोज करता है इस तरह के सब्सटेंस जो ब्लड की कोगुलेशन कराते हैं, यानी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग वगैरह करवा रहे होते हैं। फिब्रिनोजन वॉज वन ऑफ देम जो कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से भी ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है और जनरली आपकी बुक में लिवर के फंक्शन में इनके बारे में बताया हुआ है। पेनक्रियाज जो है वो एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस और हार्मोन वगैरह रिलीज करते हैं। गॉल ब्लैडर का दूसरा फंक्शन होता है बोन मैरो जो है ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद था फूड पॉइजनिंग विथ सिम्टोमेटिक वॉमिटिंग एंड डायरिया इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन में कह रहे हैं सेल्मोनेला, ईकोलाई, बेसिलाई या ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो बुक में लिखा हुआ है फूड पॉइजनिंग के बारे में कि ये हो सकती है या तो वायरस से भी हो सकती है, बैक्टीरिया से भी हो सकती है और किसी भी प्रोटोजोअन से जो कि किसी इन्फेक्ट कंटेमिनेटेड फूड के अंदर या ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट है, किसी से भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग। बाकी पेज नंबर 303 पे आपको मिल जाएगा। अगर ये पूछते कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग तो वो थी सेल्मोनेला, कॉमनेस्ट नहीं पूछे, उन्होंने कॉज पूछी है। और यहाँ पे ये तीनों ही हो सकती हैं, दोनों बैक्टीरिया है, ये भी एक जो है वो बुक में इसका नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो ऑल ऑफ दीज इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर कॉमनेस्ट पूछते तो हमारा ऑप्शन ए होता है। उसके बाद है ज़ाइमोजेन ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग मैनी एंजाइम्स इन इनएक्टिव फॉर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय, ज़ाइमोजेन ग्रैन्यूल्स के बारे में भी आपकी बुक में कहीं जिक्र नहीं है, ठीक है, ये भी आपके लेवल की बात नहीं थी। बाकी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये बनाते हैं पेनक्रियास, पेनक्रियास के बारे में बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपने क्या बात पढ़ी होगी कि ज़ाइमोजेन सेल्स होते हैं, तो ज़ाइमोजेन सेल्स और ग्रैन्यूल सेम नहीं है। ज़ाइमोजेन सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम होती है, ज़ाइमोजेन ग्रैन्यूल्स वो होते हैं जिनके अंदर ज़ाइमोजेन एंजाइम्स होते हैं, वही इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़ाइमोजेन होते हैं। तो ज़ाइमोजेन सेल्स जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स बनाते हैं और जो ज़ाइमोजेन ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि पेनक्रियास बनाते हैं, इनके अंदर भी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इन ग्रैन्यूल्स के अंदर, जैसे ज़ाइमोजेन ग्रैन्यूल है तो उसके अंदर ज़ाइमोजेन्स होते हैं। ज़ाइमोजेन्स क्या होते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जो एंजाइम्स होते हैं उसको हम ज़ाइमोजेन कह रहे होते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ सिर्फ सवाल को समझाने के लिए, बाकी ये कि इसको ज़ाइमोजेन सेल से कंफ्यूज नहीं करना, सेम चीज़ नहीं है। ज़ाइमोजेन सेल्स का बोलते और पूछते कि वो कौन सा इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम बनाता है तो ये फिर स्टमक आंसर होता है। यहाँ पे राइट आंसर पेनक्रियास है, आपकी बुक में ये गिवन नहीं है, आपकी लेवल की ये बात नहीं थी, फिर भी पूछी हुई थी सवाल कराना तो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद है एबनॉर्मल एंड परमानेंट डायलेशन ऑफ एयर स्पेसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स इज कॉल्ड, तो पहला ऑप्शन है एम्फाइसिमा, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, लंग कैंसर। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा किस तरह से क्या आंसर है। अस्थमा के बारे में बुक में लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो लंग स्पेसेस होती है, लंग स्पेसेस नहीं, जो लंग के एल्वोलाय होते हैं वो लिखे हुए हैं कि वो वक्त के साथ जो है वो डिस्ट्रक्ट होने लग जाते हैं, लंग की इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में अभी हमें एज सच कोई मैचिंग कोई वर्ड नहीं मिल रहा जो हम एम्फाइसिमा चूज़ करें। ट्यूबरक्लोसिस पे चलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया हुआ है कि बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से होती है और कोई और कुछ नहीं बताया कि बैक्टीरिया करता क्या है। तो बैक्टीरिया जो होता है जाके लंग को इन्फेक्ट करता है, फिर वहाँ से वो या तो ब्लड या फिर लिम्फेटिक रूट के जरिए दूसरे ऑर्गन्स को भी जाके इफेक्ट कर सकता है, बाकी लंग टिश्यू को फिर ये वहाँ पे जहाँ लंग में प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रक्ट करता है, वहाँ से लंग बेसिकली लंग को भी डिस्ट्रक्ट कर रहा होता है। उसके बाद अस्थमा पे अगर आ जाएं तो अस्थमा एक टाइप की एलर्जिक रिएक्शन होती है, किस तरह से अगर हमारी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस से एलर्जिक होती है, वो जब उसको हम अगर हम इनहेल करते हैं वो एयरवेज में आती है, एयरवे जो होती है उससे इरिटेट होती है, उसकी वजह से जो हमारी एयरवे होती है, एयरवे क्या है, एयरवे जो विंड पाइप होती है आपकी, जो ट्रैकिया होता है विंड पाइप, ये एयरवे है, जब ये इरिटेट होगी तो ये जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसी कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्रेथलेसनेस आपको फील होती है या जिसको अस्थमा होता है उसको फील होती है, वो तभी होती है जब कोई इरिटेंट आके उसको इरिटेट करता है एयरवे को, तो ये अस्थमा की कंडीशन हो गई। ऐसा भी कुछ सवाल में नहीं गिवन है। उसके बाद आते हैं लंग कैंसर के ऊपर। लंग कैंसर क्या होता है, ज़्यादातर जो हो रहा होता है वो स्मोकिंग वगैरह की वजह से, ऐसा स्मोक जिसके अंदर निकोटीन या इस तरह के हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं जो जाके एयरवेज ही जो होती हैं उसके जो ऊपर जो लाइनिंग होती है उसके ऊपर सीलियाज होते हैं उसको बेसिकली डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। सीलिया का काम ही हो रहा था कि जो भी चीज़, एक तो हमारी जो एयरवे होती है वो वेट होती है, ठीक है, थोड़ी सी गीली होती है, म्यूकस वगैरह होता है उस पर, उसके सीलिया होते हैं, गीली और म्यूकस होने का, म्यूकस और सीलिया दोनों होने का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी डस्ट वगैरह कोई भी इस तरह का हार्मफुल पार्टिकल्स अगर हमारे एयरवे में इनहेल हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं कि वो उससे स्टिक हो जाता है, स्टिकी सब्सटेंस, और सीलिया फिर क्या करता है उस चीज़ को प्रोपेल करता है बाहर की तरफ, ये नहीं कि लंग के अंदर नहीं जाने देगा, उसको अंदर जाने से प्रिवेंट करेगा लंग के अंदर, वो बाहर की तरफ प्रोपेल होगा और वो ऊपर की तरफ बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें हम इनहेल करेंगे जिससे हमारे सीलिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर वो चीज़ जो होगी वो यहाँ से अंदर जाएगी लंग्स में, वहाँ जाके उसमें मसाइल जो है वो करवाएगी। तो इस तरह से फिर यहाँ पे ये चीज़ भी इफेक्ट होती है और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, उनके अंदर भी जो है एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। ये सारी कंडीशन लंग कैंसर की थी, इस तरह की बात भी नहीं लिखी हुई सवाल में। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से थोड़ी बहुत क्लियर हो गई कि लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा जैसी तो कोई भी बात नहीं है। एक ऑप्शन हो सकता है एम्फाइसीमा, यही इसका आंसर है किस तरह से
मैंने आपको क्या बताया था कि एम्फाइसिमा के अंदर लंग की इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परमानेंट डायलेशन ऑफ एयर स्पेसेस। आपको एयर स्पेसेस और एयर वेज का फर्क थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एयर वेज जो है वो जो ऊपर का जो अपर ट्रैक्ट होता है, जैसे ट्रैकिया वगैरह होते हैं, वो एयर वेज में आ जाते हैं। उसके बाद फिर जो लंग के अंदर जो स्पेसेस आ जाती हैं, इस तरह से जो ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स वगैरह हो जाते हैं जो लंग के अंदर होते हैं, इसकी की कंटिन्यूशन, वो जो होते हैं वो एयर स्पेसेस, या फिर कह लें जो एल्वोलाई होते हैं वो एयर स्पेसेस हम उनको कह रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या था, यही बताया था आपको कि जो एल्वोलाई होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो एल्वोलाई एम्फाइसिमा के अंदर यही होता है, जो एल्वोलाई होते हैं वो इस तरह से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं कि वो डायलेट कर जाते हैं। नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि इसकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली लंग्स इलास्टिक होते हैं, एल्वोलाई इलास्टिक होता है, अगर उसके अंदर हवा आती है वो इन्फ्लेट कर जाते हैं, उसके बाद इलास्टिसिटी की वजह से वो इस तरह से सुकड़ते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर वो परमानेंटली डायलेट हो जाएंगे और उनकी जो वॉल्स होंगी, यानी एल्वोलाई की जो वॉल्स होंगी, मेरे ख्याल से ये वॉल्स होगा, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एयरवे जो है वो इलास्टिक नहीं रहेंगे, हवा अंदर आएगी और फिर इलास्टिसिटी की वजह से बाहर नहीं जा पाएगी, एयरवेज इस तरह से फैले रहेंगे, डायलेटेड रहेंगे, परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ये सारी कंडीशन जो है वो एम्फाइसिमा को इंडिकेट कर रही होती है। आई होप ये समझ आएगा, किसी को उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके बाद है, हार्ट इज ट्राई चैम्बर्ड विद इनकम्प्लीट वेंट्रिकल्स एंड वेंट्रिकुलर सेप्टम्स इन, तो ये किसके अंदर होता है, ये होते हैं एम्फीबियंस के अंदर, यानी फ्रॉग वगैरह के अंदर। इनके दो एट्रिया की चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके दरमियान एक सेपरेशन होती है, और नीचे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके दरमियान कोई सेपरेशन नहीं होती, तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद है ल्यूकोसाइट विच इज़ बिगेस्ट इन साइज बट स्मॉलर इन नंबर कॉम्बैटिंग फॉरेन इन्वेजन इज। तो अगर आप बुक में अपनी एक डायग्राम देखेंगे जहाँ पर उन्होंने सारे सेल्स के बारे में बताया हुआ है, बनाई हुई है बेसिकली एक डायग्राम, उसके अंदर आपको लार्जेस्ट साइज़ के जो वो मोनोसाइट नजर आएंगे। वैसे भी आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लार्जेस्ट साइज़ के जो होते हैं वो मोनोसाइट होते हैं, बट अगर सारे सेल को कंपैरेटिवली देखा जाए तो स्मॉलेस्ट इन नंबर इन चारों ऑप्शन में ईजनोफिल्स हो जाते हैं। बाकी ये है कि न्यूट्रोफिल्स और ईजनोफिल्स जो है वो दोनों ग्रैनुलोसाइट्स हैं और ये दोनों ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं। वैसे ही अगर ग्रैनुलोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट की वो देखा जाए नंबर, तो उसमें जो होते हैं फिर ये दोनों ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज। लेकिन इसकी क्या होती है, ये भी जो होती है वो ए ग्रैनुलोसाइट में 24% लिम्फोसाइट्स होते हैं और 4% जो होते हैं वो मोनोसाइट्स होते हैं। तो इस लिहाज से भी यहाँ पर जो अगर सिर्फ ग्रैनुलोसाइट को देखा जाए तो ये ज़्यादा होते हैं, ये हो जाते हैं स्मॉलेस्ट इन नंबर। वैसे स्मॉलेस्ट जो थे वो सबसे कम जो होते हैं ब्लड सेल, वो बेसोफिल्स होते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जितना सवाल, जिस सवाल के हिसाब से जो सारी चीज़ें बन रही हैं, एक तो ये भी कि साइज़ इनका ही सबसे बड़ा होता है सारे सेल्स में, ब्लड सेल में ये सबसे ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली देखा जाए ग्रैनुलोसाइट्स में, तो ये होते हैं कम 4% होते हैं। इसके अलावा ये इनका फंक्शन जो फेगोसाइटिक फंक्शन होता है, उस बेसिस पे ये हो जाते हैं कॉम्बैटिंग फॉरेन इन्वेजन। तो ये वाली बात, ये तीनों बातें जो है वो फिर मोनोसाइट के ऑप्शन को ही फेवर करें। उसके बाद था पैरालिसिस एंड वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज, तो ये है हेमीप्लेजिया की डेफिनेशन, या उसके बारे में लिखा हुआ है पेज नंबर 366 पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद है स्पेशल प्रोटीन्स सेक्रेटेड बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल टू इंड्यूस एंटीवायरल रेजिस्टेंस आर टर्म्ड एस, ये भी बुक की लाइन है, ये मिल जाएगी पेज 367 के ऊपर, इंटरफेरॉन्स, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है कुछ हार्मोन्स बनाता है, साइटोकाइंस, उसी की एक टाइप होती है इंटरफेरॉन्स। लाइसोजाइम जो होते हैं वो टीयर्स और सलाइवा वगैरह के अंदर एक एंजाइम होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स जो होते हैं वो ये भी बैक्टीरिया को लाइसिस उसकी कराते हैं, ये भी दोनों के अंदर होते हैं, नेचुरल और जो हमारी दूसरी टाइप की अडॉप्टिव और इनेट, दोनों इम्यूनिटी के अंदर काम करता है। एंटीबायोटिक्स तो ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ हम ले रहे होते हैं। उसके बाद है यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉफिक नॉन लोकोमोटरी पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स बिलोंग्स टू दिस क्लास, ठीक है। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स दे दिए सबको जो है वो देख लेते हैं। यूनिसेलुलर तो इसमें से कोई भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी मेरे ख्याल से कोई भी हो सकता है, बाकी नॉन लोकोमोटरी और पैरासाइटिक, तो जो आपको याद होनी चाहिए कि जो स्पोरोजोआज होते हैं इनके अंदर ना तो कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता जो उनको लोकोमोशन में हेल्प करे, ठीक है, ना तो कोई ऐसे प्रोटीन होते हैं ना वैक्यूल होता है, तो इससे भी पता चल रहा है। दूसरा, ये पैरासाइटिक होते हैं, जब पैरासाइटिक होते हैं तो जाहिर सी बात है हेटरोट्रॉफिक मूड हो गया, हेटरोट्रॉफिक मूड के अंदर एक मूड होता है पैरासाइटिक, ठीक है, और यूनिसेलुलर भी होती है। इस वजह से तकरीबन तीन करेक्टर्स होते हैं वो इसी को फेवर कर रहे हैं, बाकी ये इसका आंसर है स्पोरोजोआ। उसके बाद है HCl कन्वर्ट्स दिस एंजाइम टू एक्टिव फॉर्म, बताया था HCl कन्वर्ट करता है पेप्सिन ओजन को, पेप्सिन ओजन जो होती है वो एग्जांपल होती है जाइमोजन की, ठीक है, जाइमोजन वो एंजाइम जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, तो ये इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिन ओजन, HCl इसको एक्टिव पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद है ड्राइव जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, पेज नंबर 9 के ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग में, कि उसमें जो आइसोलेटेड फैक्ट्स होते हैं, जो हम फैक्ट निकालते हैं उससे हम जो सारे फैक्ट्स हम जमा करते हैं स्पेसिफिक, उससे हम एक जनरल प्रिंसिपल या जनरल आइडिया जो दे रहे होते हैं उसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो उसके बाद था लॉन्ग प्रोटेक्टिव पॉलीप्स आर कॉल्ड, तो जो प्रोटेक्टिव पॉलीप्स होते हैं जो पूरी कॉलोनी की प्रोटेक्शन करा रहे होते हैं, कह लें कि उनके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो होते हैं डेक्टाइलोजॉइड्स। गैस्ट्रोजॉइड्स जो होते हैं वो शेफ होते हैं, खाना वगैरह बनाने मतलब डाइजेशन करा रहे होते हैं, और गोनोजॉइड्स जो होते हैं वो
रिप्रोडक्शन करा रहे होते हैं, और टेक्टोलोजॉइड्स होते हैं वो सेंसरी होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं चीज़ों को और फूड वगैरह को कैप्चर कर रहे होते हैं, जो उनकी कॉलोनी में सारे एक साथ मिलकर रह रहे होते हैं सैनिटेरियंस। ठीक है, यहाँ पे आके जाता है खातून पाकिस्तान का पेपर कंप्लीट फर्स्ट ईयर जॉलॉजी का। आई होप यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई मसला है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।